नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पटना में बर्फ की फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस का रिसाव, लोगों में दहशत। भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं रामदेव, संघ के बड़े अधिकारियों को भी न्योता। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू ने रेहड़ी को मारी टक्कर, 4 घायल, महिला ड्राइवर गिरफ्तार। तमिलनाडु के थैनी में 12 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, ट्रॉली में ले जाना पड़ा कोरोना मरीज का शव। भूमि पूजन से पहले कमलनाथ करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, बीजेपी ने बताया दिखावा। जीतू पटवारी ने पीएम के विमान की तस्वीर बताकर शेयर की फेक फोटो। 200 रुपए के लिए की थी दिल्ली के ऑटो चालक की हत्या, 2 गिरफ्तार। कंगना के घर के बाहर सुनाई दी पटाखों जैसी आवाज, बुलाई गई पुलिस। बिहार डीजीपी की चेतावनी, सबूत मिला तो जमीन खोद कर खोज निकालेंगे रिया चक्रवर्ती को। सिसोदिया ने शाह को लिखी चिट्ठी, एलजी से कहे सरकार का फैसला ना रोके। यूपी में सरकार का बहनों को तोहफा, रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा, खुली रहेंगी मिठाई की दुकानें। पटना के जेडीयू विधायक लल्लन पासवान कोरोना पॉजिटिव। पटना के जेडीयू सांसद आरपी सिंह कोरोना पॉजिटिव, एम्स में भर्ती। पंजाब में नकली शराब को लेकर 3 जिलों के 100 जगहों पर छापा, 25 गिरफ्तारियां। गुजरात में कल 58 आईपीएस अफसरों समेत 78 पुलिस अधिकारियों का तबादला। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष प्लान तैयार किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की मां का निधन। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार सुशांत को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। लखनऊ के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी होंगे केजीएमयू के नए वीसी। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार ईडी की रडार पर। सुसाइड के दिन सुशांत के अलावा फ्लैट में 4 लोग थे, सामने आई रिपोर्ट। अमर सिंह को अमिताभ बच्चन ने दी श्रद्धांजलि, ट्विटर पर शेयर की। टीएनपीएल 2020 फिर स्थगित, नवंबर या अगले साल मार्च में होने के आसार। हैमिल्टन का नया रिकॉर्ड, ब्रिटिश में ग्रैंड प्री में हासिल की पोल पोजीशन। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं।